आज मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि फाइनली स्वरा और अथर्व का जो है वो स्कूल में एडमिशन हो चुका है और उनके एडमिशन को लेके मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि यहाँ की जो सिस्टम है ना वो अलग है थोड़ी। मार्च में जो है यहाँ पे एग्जाम जो है वो खत्म हो जाते हैं और रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद अप्रैल से यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो जाती है। तो अप्रैल मई और जून जो है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। और हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जो है वो मार्च में जो है एग्जाम, मार्च या अप्रैल में एग्जाम खत्म हो जाती है, यहाँ पे मार्च में एग्जाम खत्म हो जाती है और नेक्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, हम लोग जो है वो जुलाई के एंड में यहाँ पे आए थे, तो पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं या फिर सीट्स अवेलेबल होगी या नहीं स्कूल में। पर ऐसा नहीं है, बाकी पेरेंट्स भी बहुत थे जो हमारे साथ आए थे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हो गया अच्छी तरह से एडमिशन और मैं बहुत इसके लिए ज़्यादा खुश हूँ। और जुलाई और अगस्त जो है वो यहाँ पे समर वेकेशन होता है, तो जुलाई अगस्त में जो है यहाँ पे छुट्टियाँ होती है। तो स्वरा और अथर्व के 3 महीने का पोर्शन जो कंप्लीट हो चुका था स्कूल में वो हमें उनसे करवाना है। टीचर ने बोला था कि जो भी 3 महीने की पढ़ाई जो है वो उनसे छूट गई है वो आपको करवानी है। तो यहाँ पे जो है वो अक्टूबर से स्कूल एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हैं तो आपको जो है अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है तब आपको ऑनलाइन एडमिशन करवाना होगा। आप जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर के लिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि उनका एडमिशन कौन से स्कूल में हुआ है और ये स्कूल हमने क्यों सिलेक्ट की। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बजट, अपना बजट जो है वो बना के चलना है आपको, क्योंकि दुबई जो है वो काफी एक्सपेंसिव है और हम जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं। सबसे पहले हम हमारा बजट देखते हैं और दो दो बच्चों का जो है वो एजुकेशन करवाना है तो ऑब्वियसली बजट तो देखना ही पड़ेगा। आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट में वीजा स्टैम्प करवाना होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो है यहाँ का इमिरेट्स आईडी बनाना होगा आपको और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर आपका बच्चा पहले से स्कूल में जा रहा है तो वहाँ का लिविंग सर्टिफिकेट जिसे यहाँ पे टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए अगर वो स्कूल में जा रहा है तो। अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। और पासपोर्ट साइज फोटो, बस ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको एडमिशन के लिए। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है फीस। हम जो हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए जिन जिन स्कूल में गए हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम जिन जिन स्कूलों में गए हैं हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए, उस स्कूल में केजी टू के बच्चों की 7000 एडी से लेके 10000 एडी तक की भी फीस थी ईयरली, और केजी सॉरी ग्रेड फाइव की 8000 एडी से लेके 10 या 11000 तक की फीस थी ईयरली। और ट्रांसफर चार्जेस जो है वो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, किस लोकेशन पे है आपका घर, उस पर डिपेंड करता है। और अब जो है वो स्कूल के नाम बताने की बारी है। तो स्कूल का जो नाम है वो है इंडियन एक्सीलेंट प्राइवेट स्कूल, जो कि शारजा में पड़ता है और हम भी जो है वो शारजा में ही रहते हैं। तो स्कूल की जो खास बात मुझे ये लगी कि स्कूल में एंटर करते ही मुझे इंडिया वाली फीलिंग आई, मुझे स्कूल का एटमॉस्फेयर जो था वो काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिया के किसी स्कूल में ही हूँ। ऑब्वियसली हम इंडिया से आए हैं तो हमें तो अच्छा लगेगा ही। और टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया।
और इस स्कूल में भी जो है शायद हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता, यहाँ पे भी सीट अवेलेबल नहीं थी, पर मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उनके रेफरेंस से हमारा काम हो गया, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इस स्कूल में इंडिया के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चों का जो है वो एडमिशन इस स्कूल में हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीज़ा या डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस यही था आज के वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।